तुम लोगों को जो करना था वो तुम लोगों ने कर लिया। अब इस नागिन के साथ क्या करना है मुझे पता है। आज के बाद ये नागिन तुम लोगों की जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगी। पापा, अगर आप नहीं होते तो हम इस नागिन से कभी छुटकारा ही नहीं पाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे और मेरी पत्नी को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलग निरंजन। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। आज के बाद तुम कभी किसी को तकलीफ नहीं दे पाएगी, क्योंकि आज का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैत्री, तू ठीक तो है ना? हाँ, और तुझे इतना टाइम क्यों लग गया? तुझे पता है मैं कितना डर गई थी? पता है बाबा, मुझे सब पता है। तेरे साथ बुढ़ापा भी तो गुजारना है ना। देख, आ गए। एक गिलासी, दो गिलासी, तीन गिलासी, चार। पक्की अपनी दोस्ती, पक्का अपना प्यार। झुमकी तो अब बाबा के कैद में, पर बाकी घर वाले वो उसके सम्मोहन से बाहर निकले या नहीं? हाँ बाबा, सब लोग ठीक है। और सब लोग एक साथ एक ही झटके में सम्मोहन से बाहर आ गए थे। मम्मी जी, पापा जी, जूही, वेदिका, स्वयं सब होश में आ चुके। लेकिन मैत्री, सब लोग बहुत वीक नजर आ रहे थे, इसलिए मैंने सबको कहा है कि अपने रूम में रेस्ट करें। चलो अच्छा है, महादेव की कृपा है नंदू, अब सब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। अब हमारे घर से संकट हमेशा हमेशा के लिए टल चुका है। बहुत मिस किया आप सबको। अब मम्मा आप सबको अपने आप से दूर कभी नहीं होने देगी। I promise. वैसे मैं तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता हूँ। थैंक यू मैत्री। बीवी को थैंक यू बोल रहे हो? तो फिर एक काम करो ना, कल से हर चीज के लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट कर। मैं नोट करती रहूंगी, रात को एक साथ थैंक यू बोल देना। तुम्हारे से थैंक यू से काम हो जाएगा? आई मीन बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। देव और नागेश्वर बाबा की कृपा से मेरी सारी खोई हुई खुशियां मुझे वापस मिल गई। अब बस यही खुशियां दोबारा हमारे घर की चौखट से कभी बाहर ना जाए। जिस सुकून से घर में मैं सांस ले रही हूं, बस हमेशा ऐसे ही लेती रहूं।
मेरी और नंदू की दोस्ती को कभी किसी की नजर ना लगे। तेरी जैसी अपवित्र नागिन को मैं इस पवित्र पेड़ के तह में दफनाऊंगा ताकि तुझे इस बात का एहसास हो तेरा अस्तित्व इस पवित्र पेड़ के धूल के बराबर भी नहीं है। तो नागिन ओम नमः शिवाय। घरवालों का बोल दिया, नंदनी का बोल दिया, लेकिन जिसके लिए इतनी सारी लड़ाई की उसका क्या? हम दोनों के लिए विश नहीं करोगे? नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैं जानती हूं दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। महादेव का आशीर्वाद जो है क्या हुआ? हर्षित, ये लाल बिजली वो चुमकी जब तुम्हें नाग बना रही थी तब भी ऐसी ही बिजली कड़क रही थी। हे महादेव, अब कोई अनर्थ मत होने देना। हमेशा के लिए तू चली जा। तुच्छ नागिन, असंभव है महादेव, असंभव है। नागिन बंदी बनकर शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? मेरी बीन मुझसे बहुत दूर है। ये बिजली जरूर किसी खतरे का संकेत। नागेश्वर बाबा तो ठीक होंगे ना? कहीं चमकी फिर से कोई नया खेल तो नहीं खेल रही? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हर्षित, बिजली, आंधी, तूफान, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। भगवान करे सब ठीक हो। हर्षित,
ये बिजली आंधी तूफान कि जरूर किसी अनहोनी का इशारा है। हमें नागेश्वर बाबा के पास जाना होगा। कौन है आप? पता नहीं वो झुमके को लेकर कहां गए होंगे। हर्ष, हमें जल्द से जल्द पहुंचना है वहां। जल्दी चलाओ प्लीज। मैत्री की मदद क्यों की तूने? हम अपने पति अपने नाक को वापस में नहीं आए थे ना, तो क्या गलत है इसमें? हमारी जगह कोई भी होता तो क्या वो अपने पति अपने नाक को जाने देता क्या? अगर वो नाक तेरा पति होता तो मैं तुझे कभी नहीं रोकता, लेकिन वो मैत्री का पति है और एक पत्नी से तू उसका पति छीनना चाहती है, तुच्छ नागिन, जो मैं होने कभी नहीं दूंगा। क्यों छीन रही थी? हाँ, क्योंकि तूने हमारी और मैत्री की कहानी शुरू की है। आज से तेरे कारण नागेश्वर, हमारे पति हमारे नाग जिंदा नहीं है, उनकी जान चली गई। तेरी नागराज की जान मेरी वजह से नहीं बल्कि इसकी बेवकूफी की वजह से गई थी। उसने हर्ष को बिना वजह डसा था, महादेव ने स्वयं उसे सजा दी। और तुझे सजा हम देंगे नागेश्वर, और उस मैत्री को भी, क्योंकि तुम दोनों ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। हमें हमारा नाम हमारे पति मिलते मिलते रह गया है, उसकी वजह हो तुम दोनों। बाबा थोड़ी देर पहले ही उस शंख को लेकर पवित्र वृक्ष की तरफ निकले थे। हम भी कब से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। क्या? पवित्र वृक्ष कहाँ है? हर्ष चलो। तेरा अंत मैत्री के हाथों लिखा है तुच्छ नागिन। आज तो मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, बहुत जल्द तू भी हमारी दुनिया में आ जाएगी। मैत्री तुझे मारेगी। अलग निरंजन।
तेरे बिना मैत्री एक कठपुतली है। वो मैत्री हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शंख चुमकी हर्ष चुमकी चुमकी शंख से बाहर चली गई है। ये चुमकी ने किया है। बाबा बाबा किसने मारा मेरे बाबा को? चुमकी ने किया है। उस इच्छाधारी नागिन ने बाबा को मार डाला। ये डसा हुआ तो मायावी सांपों का है। अगर एक को मारोगे तो उसकी जगह 10 बन जाते हैं और उनकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। और ये एक ही ऐसी प्रजाति है जो किसी के वश में नहीं आती सिवाय इच्छाधारी नागिन के। और उस इच्छाधारी नागिन ने इस बात का फायदा उठाया और मेरे बाबा को मार दिया। बाबा का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ करिएगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा। उस चुमकी के साथ नागेश्वर बाबा की मदद के बिना लड़ना बहुत कठिन होगा। नागेश्वर बाबा को मारकर उसने एक पाप तो कर दिया। महादेवी जाने वो आगे क्या क्या पाप करने वाली है। हर्ष हर्ष हमें जल्द से जल्द घर जाना चाहिए। इससे पहले वो चुमकी घर पहुंच जाए पता नहीं क्या कर बैठेगी। तुम सही बोल रही हो। हमें चलना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैत्री हमें धोखा देगी ये हम जानते थे, लेकिन हर्ष तुम मुझे धोखा दोगे ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हमने तुम्हें प्यार दिया, अपना नाग माना, अपनी दुनिया मानी, लेकिन तुमने हमें अपनी दुनिया से निकाल कर उस मैत्री को शामिल कर लिया। तुमने मुझे धोखा दिया है हर्ष। मुझे तुमने अपनी हद पार कर दी है। हद पार करने की बारी है हमारी। अब देखो हर्ष हम क्या क्या करते हैं।
चाचा जी, चाची जी, नंदू कहाँ गए सब? चाचा जी के रूम में जाके देखते हैं। हर्ष चलो। चाचा जी, चाची जी, वो कहीं भी नहीं है। कहाँ चले गए? चल के नंदू के कमरे में देखते हैं। हर्ष, नंदू, नंदू क्या करें अब? बच्चों, बच्चों, हर्ष बच्चे भी नहीं है, कहाँ चले गए सब लोग? वही कर रही है ये सब। मुझे इसी बात का डर था, हर्ष वो वापस आ गई है, उसी ने सबको अपने कब्जे में कर लिया है। हमें कुछ करना होगा, चलो।